सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ MIUI 13 और Android 12 के अपडेट के बारे में, और जिन डिवाइस के अंदर आप लोगों को अभी तक भी MIUI 13 और Android 12 का अपडेट है ना, वो यहाँ पर नहीं मिला है, उन डिवाइस के अंदर आप लोगों को अपडेट है वो यहाँ पर कब तक देखने को मिल सकता है। जैसे कि Poco M2 Pro के भी ऐसे कुछ यूजर है जिनको अपडेट है ना, वो अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और Poco M2 और Redmi 9 Prime, ऐसे कुछ डिवाइस है। और साथ ही में आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिए Redmi 9 Prime और साथ ही में Poco M3, इनके अंदर आप लोगों को अपडेट है वो यहाँ पर कब तक मिलेगा, और इस वीक के अंदर कौन कौन से डिवाइस है जिनके लिए अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को यहाँ पर पूरा देखते रहिए, वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को अभी लाइक कर लेना है, साथ ही में आपको चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे अपडेट है ना वो रिलीज होगा आप लोगों को वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और अभी वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, बाद में आप लोग यहाँ पर लाइक करना भूल जाओगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइस के लिए अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। तो फाइनली यहाँ पर Poco F3 GT डिवाइस के लिए MIUI 13.0.5.0 का अपडेट है ना वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। 117 MB की आप लोगों को अपडेट की टोटल साइज मिल जाती है, और आप लोग जैसा कि देख सकते हो नवंबर सिक्योरिटी पेच लेवल का जो अपडेट है ना वो इस अपडेट के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर वेट करते रह गए कि Poco M3 डिवाइस के अंदर MIUI 13 और Android 12 का अपडेट आएगा, लेकिन ये तो Poco वाले हैं, इन्होंने MIUI 12.5.6.0 का अपडेट है उसको यहाँ पर रिलीज कर दिया विद नवंबर सिक्योरिटी पेस लेवल अपडेट। तो इनका अभी भी कोई यहाँ पर मूड नहीं है MIUI 13 का अपडेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराना, जिन डिवाइस के अंदर अपडेट है ना वो अभी तक भी यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है। साथ ही में मैंने आपके साथ में OTA और रिकवरी रोम की लिंक है ना वो शेयर कर दी है, सो आप लोग मैनुअली अपडेट है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बात कर लेते हैं कुछ और डिवाइस के बारे में, तो वो है Redmi Note 11। अब Redmi Note 11 जो डिवाइस है ना उसके लिए भी एक नया अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 13.0.2.0 621 MB की आप लोगों को अपडेट की टोटल साइज है वो मिल जाती है। और साथ ही में जो Redmi Note 9 Pro जो डिवाइस है ना उसके लिए MIUI 13 अपडेट आने के बाद में MIUI 13.0.2.0 का अपडेट है वो एक बार फिर से यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। 860 MB का आप लोगों को अपडेट की टोटल साइज मिल जाती है। Poco X3 इसके लिए भी नया अपडेट आ चुका है 13.0.2.0, 818 MB की अपडेट की टोटल साइज मिलती है। वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया कौन कौन से आपको चेंजेस मिल जाते हैं जरूर से आप लोग वीडियो है उसको यहाँ पर वॉच कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, वो हमारा डिवाइस है Redmi Note 11 Pro Plus 5G और Poco X4 Pro 5G। ये अपडेट अभी भी यहाँ पर जो पायलट यूजर हैं उन्हीं को मिला है, पब्लिक रोल आउट है वो अभी तक भी यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है। 13.0.3.0 का अपडेट है, 278 MB की आप लोगों को अपडेट की टोटल साइज है ना वो देखने को मिल जाती है। सो गाइस यही कुछ डिवाइस है जिनके लिए अपडेट है ना वो रिलीज किया गया है। और लास्ट हमारे डिवाइस MI 11X जिनके लिए 13.0.9.0 का अपडेट है वो रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। और Redmi Note 10 Lite जो डिवाइस है ना उसके लिए MIUI 13 और Android 12 का अपडेट है ना वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो इनकी मैनुअल लिंक आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसको आप लोग यहाँ पर जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन डिवाइस के बारे में जिनके लिए अपडेट है ना वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया है। तो सबसे पहला हमारा डिवाइस है Poco M3। अब Poco M3 जो डिवाइस है ना, अब क्योंकि इसके लिए यहाँ पर नवंबर का मंथ है इसके अंदर अपडेट है वो आ चुका है 18 नवंबर को, तो अभी तो यहाँ पर आप लोगों को अपडेट है वो क्वार्टर फर्स्ट है ना उसी के अंदर देखने को मिलेगा, उससे पहले अपडेट है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्वार्टर वन के अंदर आपको जनवरी फरवरी मार्च 2023 ईयर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसी के अंदर अपडेट है ना वो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आप लोग खुद ही समझ सकते हो अभी अपडेट है ना वो रिलीज किया गया है। सो दिसंबर में तो अपडेट आएगा नहीं, जनवरी और फरवरी का मंथ है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी
है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में जो कि हमारा डिवाइस है Redmi 9 Power। अब गाइस आप लोगों को यहाँ पर पता ही होगा कि जो Redmi 9 Power जो डिवाइस है ना उसके लिए लास्ट अपडेट है वो यहाँ पर कौन सा रिलीज किया गया था। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हो कि हमारा जो डिवाइस है ना कोई भी XYZ डिवाइस हो सकता है उसके लिए लास्ट अपडेट है ना वो कौन सा रिलीज हुआ था, क्योंकि हर डिवाइस का स्क्रीनशॉट है वो आपको हमारा चैनल है उसके ऊपर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा देख सकते हो 12.5.9.0 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया गया था Redmi 9 Power डिवाइस के लिए। और ये जो अपडेट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था May 28 को। सो 28 मई को अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया गया था। उसके बाद में आप लोगों को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं Redmi 9 Power डिवाइस के लिए कोई अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है। तो इसके लिए अभी वैसे कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, अगर अपडेट आ जाएगा तो मैं आपके साथ में न्यूज है ना वो जरूर से यहाँ पर शेयर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं हमारे कुछ डिवाइस के बारे में जिनके लिए अपडेट है ना वो एक बार यहाँ पर आ चुका है। सो वो डिवाइस है Poco M2 Pro। अब Poco M2 Pro जो डिवाइस है ना उसके लिए अपडेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर रिलीज हो चुका है बहुत सारे यूजर के लिए। पायलट यूजर है उनके लिए तो अपडेट आ चुका है, साथ ही में जो नॉर्मल यूजर है ना उनके लिए भी अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है। अपडेट उन लोगों को नहीं मिला है जिन लोगों ने पहले यहाँ पर जो MIUI 12.5.6.0 का आई थिंक अपडेट था उसको इंस्टॉल नहीं किया था, तो आपकी डिवाइस के लिए अपडेट है ना वो शो नहीं करेगा। तो अगर आपकी डिवाइस के अंदर अभी कोई अपडेट है ना वो यहाँ पर आके रखा है सो आपको जरूर से यहाँ पर चेक करना है, अगर वो आ रखा है सो उसको कर लेना। उसके बाद में MIUI 13 और एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर आ जाए और इस अपडेट को आप लोग यहां पर मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है Redmi Note 9 और ये है ग्लोबल एडिशन। सो ग्लोबल में ऑलरेडी 13 का जो अपडेट है वो आ चुका है और अक्टूबर में ही अपडेट है ना वो यहां पर आ चुका है। उसके बाद में आप लोगों को अभी तक भी इंडिया में अपडेट है ना वो यहां पर देखने को नहीं मिला है। सो इसके लिए भी आप लोगों को Q1 2023 की ईयर है उसके अंदर अपडेट है ना वहां पर मिलेगा, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 मंथ के अंदर कभी भी आपको यहां पर मिल सकता है। अब बात करते हैं Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के लिए। सो मैंने आपको जैसा कि यहां पर बताया था कि Redmi Note 9 Pro जो डिवाइस है ना उसके लिए अपडेट है वो ऑलरेडी यहां पर रिलीज किया गया है। एक बार मैं आपको अपडेट का स्क्रीनशॉट है ना वो यहां पर दिखा देता हूं। तो ये है अपडेट का स्क्रीनशॉट Redmi Note 9 Pro, इसके लिए अपडेट वो आ चुका है। अब Redmi Note 9 Pro Max जो डिवाइस है ना उसके लिए भी जो यहाँ पर 13.0.2.0 का अपडेट है वो यहाँ पर जल्दी आने वाला है और ये अपडेट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आने वाली 15 डेज के अंदर अपडेट है वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है और जैसे आएगा मैं आपके साथ में न्यूज है ना वो शेयर कर दूंगा। और एक वीडियो हमारी जल्दी ही आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा Poco M2 Pro, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि ये वाला है। तो उस वीडियो का आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर कोई डिवाइस रह गया है जैसे कि Redmi 9 Prime तो गाइस इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि अभी तक भी Xiaomi की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज है ना वो यहाँ पर रिलीज नहीं हुई है। तो अभी तो मैं आपको डेट नहीं बता सकता हूं कि कौन सी डेट को अपडेट है ना वो रिलीज होगा। बाकी आप लोगों को Q1 का ही यहाँ पर वेट है ना वो करना पड़ेगा क्योंकि दिसंबर का मंथ है उसके अंदर तो अपडेट है वो यहाँ पर आने नहीं वाला है। तो आप लोग Q1 का वेट कर सकते हो। बाकी गाइस आज की बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वाला वॉलपेपर पसंद आया तो जरूर से आप लोग हमारा सहेज वॉलपेपर का टेलीग्राम चैनल है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।